ये गंगा नदी है और ये देखिए ये है जलंगी नदी जो तिब्बत से निकला है और ये पूरा काला काला दिख रहा है और वो देखिए काला और गंगा नदी मिक्स है, जलंगी और गंगा, तो यहीं से पानी का मिक्सिंग नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे सभी कोई ना कोई चिंता कोई ना कोई टेंशन में रहता ही है, लेकिन ऐसे ही टेंशन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाना ज़रूरी है। और ऐसे ही हम आए हैं अभी मायापुर शांतिपुर, जिसको नदिया नवद्वीप भी कहते हैं। तो ये है नदिया क्षेत्र मायापुर और यहाँ पे काफ़ी भव्य सा इस्कॉन मंदिर है और उसी के सामने ये देखिए मठ है और यहाँ पर हम लोग का अभी पार्किंग बस पार्क किया गया है। और दोस्तों ये देखिए ये हमारे साथ ये दो बस आए हुए हैं, इस बस में हम लोग आए हैं ये, और वो है वेस्ट बंगाल से, ये झारखंड से, वो वेस्ट बंगाल से। तो अभी हम लोग यही सब लॉज में हैं, आपको रूम भी दिखाते हैं। चलिए इस टाइप का हम लोग को रूम मिला है, इसमें बाथरूम अटैच है और ये चार जन का बेड है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग गंगा स्नान घाट आ गए हैं। जय माँ गंगा। हाँ वो है इस्कॉन मंदिर, भव्य सा काफ़ी बड़ा मंदिर है। और ये मंदिर जब हम लोग भोर को पहुँचे यहाँ, भोर सुबह को 6-7 बजे, तो उस समय ये इतना कोहरा था यहाँ कि ये नज़ारा दिख ही नहीं रहा था। और ये देखिए हमारे यात्रीगण सब अभी गंगा स्नान करके आ रहे हैं। ये देख सकते हैं अभी हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद अभी मायापुर नगरी घूमेंगे। नाश्ता में हम लोग को पूड़ी और चना सब्जी मिला है और साथ में जलेबी भी है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नवद्वीप फेरी घाट और यहाँ टिकट लेना पड़ेगा फेरी। गाइज यहाँ टिकट का दाम है 10 रुपया, तो पर पर्सन 10 रुपया करके टिकट यहाँ काटना होगा और नाव में बैठ के उस पर जाना होगा। पहुंच गए हैं अभी नवद्वीप, एक द्वीप से दूसरा द्वीप आ गए नहीं, हम लोग वो नदिया यानी मायापुर से हम लोग नवद्वीप फेरी घाट आ गए हैं। ये है नवद्वीप और ये हमारे लोग अभी उतर रहे हैं, सारे लोग उतर रहे हैं। ये था नवद्वीप आने का 10 रुपया का टिकट, लीजिए।
तो गाइस देख सकते हैं नवोद्वीप घूमने के लिए हम लोग को ऐसा छोटा टोटो गाड़ी में हम लोग को अभी घूमना पड़ रहा है गली कोचा सब। ये पर टोटो गाड़ी में 6 जन करके है, तो ये हमारा पैसेंजर सब है। में ये हमारा पहला पॉइंट है राधा रानी मंदिर। तो ये राधा रानी मंदिर देखने के लिए हम लोग को 10 रुपये का यहाँ भी टिकट काटना होगा। तो 10 रुपया का टिकट लेने के बाद हम लोग को ये अंडरग्राउंड में आना पड़ रहा है। ये है नवद्वीप का हमारा दूसरा पॉइंट और ये है नीमा जी का जन्म स्थान। तो यहाँ अभी हम लोग दर्शन करेंगे और माना जाता है कि देखिए नीमा जी का जन्म स्थान यहीं पे हुआ था, नीम पेड़ के नीचे, यही है वो नीम का पेड़ और उसके सामने नीमा जी का मंदिर बनाया गया। शास्त्र में लिखा है कि गौरांग महाप्रभु ही निमाई जी है और उनका ये जन्म स्थल है। उन्होंने यहाँ निमाई के रूप में जन्म लिया था और यहाँ खेलकूद करते थे। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट गौरांग जी, गौरांग महाप्रभु का 60 फीट का मूर्ति और यहाँ आने के लिए भी 10 रुपये का टिकट है। ये है गौरांग महाप्रभु का 60 फीट का मूर्ति। तो ये अभी हम लोग का चौथा पॉइंट है पोड़ा मातोला। तो ये काफी गली कोचा वाला रास्ता है। तो ये है पोड़ा माता मंदिर। अभी हम लोग का पांचवा पॉइंट ये है सोनार गौरांगो। सोनार गौरांगो काफी ऊपर में है, देखते हैं इतना नहीं थे तो हमारे छवि देखा। तो ये है सोना का गौरांग महाप्रभु। मंदिर परिवेश में खरीदारी करते हुए हमारे ग्रुप के लोग। हमारा छठा पॉइंट श्री श्री राधा रमन बाग। तो ये एक पार्क जैसा है अंदर में, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ अभी दरवाजा बंद हो गया है, इनका टाइम होता है 1 बजे क्लोज होने का, तो ये बंद हो चुका है। तो आज का नवद्वीप का हमारा 6 पॉइंट समाप्त हुआ। अभी हम लोग वापस फेरी घाट जाएंगे। जाता था। तो अभी हम लोग फेरी घाट आ गए हैं
हमारा यहाँ टोटो में पर पर्सन 100 रुपया करके लगा, हमारा 6 जन का 600 रुपया भाड़ा लगा। और अभी हम लोग फेरी घाट फिर से आ गए हैं और वहाँ फिर से अभी जाने के लिए 10 रुपया का टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए फेरी घाट। गाइज, नौबद्वीप से आते वक्त आपको ये नज़ारा देखने लायक लगेगा। देखिए, ये गंगा नदी है और ये देखिए, ये है जलंगी नदी जो तिब्बत से निकला है और ये पूरा काला काला दिख रहा है। और वो देखिए, काला और गंगा नदी मिक्स है, जलंगी और गंगा, तो यहीं से पानी का मिक्सिंग नज़र आ रहा है। और अब हम लोग आ गए हैं जलंगी नदी में। गाइज, अभी हम लोग लंच करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किए थे और अभी हम लोग निकले हैं इस्कॉन मंदिर की ओर। और ये मायापुर का सबसे बड़ा, मतलब पूरा भारत में सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन मंदिर। तो चलिए अभी इस्कॉन मंदिर दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए, मेरे साथ सभी लोग हैं, मेरे जो बस के जितने पैसेंजर थे सबको अभी हम लेके जा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे, ये जो पीला कलर का गमछा मैं अपने साथ क्यों रखा हूँ, तो गाइज ये सभी के लिए एक सिग्नल है ताकि दूर से मेरे जितने पैसेंजर है सब देख सके और भुलाए नहीं कहीं। तो चलिए अभी दर्शन कर लेते हैं। मेन गेट है, तो चलिए अभी अंदर प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ शाम होने पर एक भव्य सा आरती होता है और उसी के लिए काफी ताबड़तोड़ भीड़ लगी रहती है। देखिए, तो गाइस देख सकते हैं ये भव्य सा नज़ारा रात के अंधेरे में। और ये अभी आधा अधूरा ही बना है, ये जब चालू हो जाएगा तो सोचिए कितना शानदार लगेगा। और ये मंदिर बनाने वाले एकमात्र सज्जन है अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक है। और इन्होंने वर्तमान में अपना नाम बदलकर अम्बरीश दास रख दिया है। अभी हम लोग मायापुर का मार्केट घूमने निकले हैं और ये मायापुर का रात में देखिए नज़ारा मार्केट का, काफ़ी सुंदर, चारों तरफ जगमगाता हुआ लाइट है और मार्केट की रौनक देखिए। ये है साड़ी मार्केट। हाँ लो, तो हम अभी हमारे अंकल के साथ चाय पीते हैं, थक चुके हैं इसलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे रूम पर। ये है सोनारी के दोनों अंकल। इस बाजार में आप बच्चों के लिए ढोल, बड़े के लिए ढोल, सब तरह के यहाँ मार्केट लगते हैं, काफी शानदार है। ये देखिए, तो गाइस देख सकते हैं मायापुर का मोमोज ऐसे होता है, बड़ा बड़ा पीस रहता है और इसको 8 पीस में टुकड़ा, और ये 40 रुपया है। हमारे वहाँ अलग है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं मोमोज खाना। हमारे वहाँ से थोड़ा टेस्ट अलग है, हमारे वहाँ जो चटनी है वो काफ़ी तीखा रहता है और यहाँ उतना चटपटा तीखा नहीं है। और ये म्यूनिक भी थोड़ा।
तो दोस्तों मायापुर के मार्केट भी हो गया, मायापुर से देखिए भांजा के लिए भी एक ड्रेस भी मिल गया, तो ये ड्रेस भी ले लिए हैं, साड़ी भी ले लिए हैं, छोटा सा साड़ी भांजी लोग के लिए। और मार्केट करने के बाद अभी रूम आ गए हैं और अभी डिनर करेंगे और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं, ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।